दिल्ली में आज हो सकता है विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। सुबह 11 बजे चुनाव आयोग की बैठक। दिल्ली में फरवरी के मध्य तक विधानसभा चुनाव की अटकलें। पिछले साल 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन। दिल्ली की चुनावी पिच पर शीला दीक्षित की गुगली। इशारों में कहा खंडित जनादेश हुआ तो आपको समर्थन। नाशपक से बोली शीला दीक्षित, कहा किसी सांप्रदायिक पार्टी को नहीं देंगे समर्थन। वो स्थिति जब आएगी लेने की या देने की, क्योंकि एक बात या स्पष्टता से मैं कह देना चाहती हूँ कि किसी कम्युनल पार्टी के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के बयान पर अरविंद केजरीवाल की चुटकी। कहा कांग्रेस ने मानी हार। शीला के बयान के बाद बोले केजरीवाल, वोटर कांग्रेस को ना दे वोट। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी जोरों पर। शनिवार को होगी पीएम की रैली। पीएम की रैली से पहले आज बीजेपी सांसद महेश गिरी जाएंगे राजघाट। कामयाबी के लिए बापू का लेंगे आशीर्वाद। दिल्ली में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का चुनावी पासा। कहा 2 साल में दिल्ली को इन्वर्टर से कर देंगे मुक्त। दिल्ली में सरकार हर साल 10 रुपए में सभी उपभोक्ताओं को देगी 2 LED बल्ब। बिजली मंत्री का ऐलान। दिल्ली वालों की सेहत सुधारेगी आम आदमी पार्टी। हेल्थ बजट 2700 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ करने का वादा आपने किया। दिल्ली में बच्चों को मुफ्त टीका लगाने का वादा। बच्चों के 1200 नए अस्पताल खोलने का भी ऐलान। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की सिफारिश पर कैबिनेट की बैठक मुमकिन। केयरटेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया इस्तीफा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के सियासी भविष्य का होगा फैसला। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के आज आएंगे परिणाम। तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे राजपक्षे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मैत्रीपाला श्रीसेना से है राजपक्षे का मुकाबला। डीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक आज। करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन की पार्टी में भूमिका पर होगा फैसला। सुबह 10:30 बजे होगी पार्टी की अहम बैठक। अध्यक्ष महासचिव और कोषाध्यक्ष पदों पर होगा नेताओं का चयन। गांधीनगर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन। दुनिया भर से आए प्रवासी हिंदुस्तानियों का किया स्वागत। प्रवासी सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा भारत में है बड़ी संभावनाएं, अब लोगों को विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं। की धरती पर संभावनाएं आपका इंतजार कर रही है। वक्त बहुत तेजी से बदल चुका है। प्रवासी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों में रहते हैं भारत के करीब 80 मुल्कों में लगी है महात्मा गांधी की मूर्ति। और आज शायद दुनिया में 70-80 देशों से भी ज्यादा देश होंगे जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। पीएम मोदी ने की प्रवासी भारतीयों की तारीफ। कहा विदेशों में इन्होंने देश का बढ़ाया मान। सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आज तक के पास दिल्ली पुलिस की FIR। ऑटोप्सी टीम का दावा स्वाभाविक नहीं है सुनंदा की मौत। FIR के मुताबिक सुनंदा के जिस्म पर चोट के कई निशान। हाथापाई के दौरान चोट लगने की आशंका। FIR के मुताबिक जहर से हुई सुनंदा की मौत। नकारी नहीं जा सकती इंजेक्शन से जहर दिए जाने की आशंका। सुनंदा के जिस्म पर दांत से काटने के भी थे निशान। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी ने जांच पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। दीज क्वेश्चंस आर नॉट रेलेवेंट एट दिस जंक्चर, बट व्हेनेवर एनीथिंग रेलेवेंट कम्स आई विल शेयर डेफिनेटली विद यू। बैंगलोर क्राइम ब्रांच ने इंडियन मुजाहिदीन के 3 गुर्गों को पकड़ा। 28 दिसंबर को चर्च स्ट्रीट पर हुए ब्लास्ट में शामिल होने के फिलहाल सबूत नहीं।
बैंगलोर पुलिस ने भटकल और पुलकेशी नगर में की छापेमारी, लैपटॉप के साथ पाइप बम बनाने के सामान बरामद। बैंगलोर पुलिस के कमिश्नर MN रेड्डी का बयान, अपने आका के निर्देश पर काम करते थे सईद, सद्दाम और अब्दुस। बैंगलोर ब्लास्ट के पीछे सिमी के हाथ होने का शक, रुड़की की तरह पाइप बम से हुए धमाके, आष्टक के पास ब्लास्ट में इस्तेमाल बम की एक्सक्लूसिव तस्वीर। बैंगलोर में बच्चे के साथ छेड़छाड़ को लेकर हंगामे के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, बुधवार को अभिभावकों ने किया था हंगामा। यूपी के पूर्व मंत्री और BSP नेता हाजी याकूब के खिलाफ मेरठ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, पेरिस हमले पर विवादास्पद बयान देने का आरोप, मीडिया में छपी खबरों के आधार पर धारा 505 के तहत मामला दर्ज, जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई करेगी पुलिस। सैफई महोत्सव में लगा बॉलीवुड के सितारों का मेला, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, परिणीति चोपड़ा समेत कई बड़े सितारों ने बढ़ाई रौनक। सैफई महोत्सव के दौरान अचानक बेकाबू हुई भीड़, पुलिस से हुई लोगों की झड़पें, भीड़ ने फेंकी कुर्सियां, सितारों को देखते हुए उमड़ी भीड़ को काबू कर रही पुलिस पर भड़की भीड़, कुछ ही देर में बेकाबू हुई भीड़। बिहार के CM जीतनराम मांझी का बयान, बेतिया में कहा दलित वर्ग का ही हो बिहार का अगला CM, खुद को CM पद से हटाए जाने की अटकलों के बीच बोले बिहार के CM मांझी, कहा हम हैं अनाड़ी। नहीं बोलने आता है, क्या करें, अभी बुजुर्ग करिए, नहीं सीखा है, सब कुछ सब कुछ मैंने सीखी, मैं सीखी होशियारी, सब है दुनिया वालों की मैंने ये बना ली। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान की शारीरिक तस्वीरें सामने आई, पिछले दिनों इमरान ने चुपचाप TV एंकर रहम खान से निकाह किया था। पंजाब की अकाली सरकार को विवादास्पद कदम, जेल में बंद आतंकियों की रिहाई चाहती है पंजाब सरकार, गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, सूत्रों के मुताबिक आतंकियों की रिहाई पर भी की बात। कृष्णकांत पॉल बने उत्तराखंड के नए राज्यपाल, देहरादून में CM कई मंत्रियों की मौजूदगी में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलवाई पद और गोपनीयता की शपथ, अजीज कुरैशी के मिजोरम का राज्यपाल बनाए जाने से खाली हुआ था पद। दक्षिण अफ्रीका से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भारत लौटने को आज पूरे हो रहे हैं 100 साल, मुंबई में कांग्रेस निकालेगी प्रेरणा यात्रा, गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू होगी कांग्रेस की प्रेरणा यात्रा, महाराष्ट्र कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। कोची में केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी आज दिखाएंगे पहले पैसेंजर शिप को हरी झंडी, कोचिन पोर्ट और लक्षद्वीप के बीच चलेगा MV कॉरल्स। आज से घरेलू एविएशन बाजार में उतरेगा नया खिलाड़ी विस्तारा, दिल्ली और मुंबई के बीच भरेगा पहली उड़ान, टाटा ग्रुप और SI का जॉइंट वेंचर है विस्तारा। पुणे के वर्जे बालवाड़ी इलाके में युवक का कत्ल, CCTV में कैद हुई वारदात, पुलिस को हॉरर किलिंग का शक, युवक ने जिस लड़की से शादी की थी उसके परिवार वाले इसके खिलाफ थे। मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा सोने की चोरी करने वाला एक शख्स, पुलिस ने चोर के पास से बरामद किया सोने को पिघलाने वाली मशीन, 1.5 करोड़ का सोना चुराने का आरोप। गुड़गांव में चेक पोस्ट रोकने से खफा बदमाशों में की पुलिस वालों की जमकर पिटाई, 2 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सरकारी अस्पताल में भर्ती छात्रा से रेप के आरोप में डॉक्टर और 2 पुलिस वाले गिरफ्तार, रेप के वक्त बनाया MMS, 6 महीने से कर रहे थे ब्लैकमेल। रांची में लव जिहाद का मामला आया सामने, रांची के 5-स्टार होटल में काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ शादी कर धर्म परिवर्तन करने की कोशिश।
मैगजीन चार्ली एब्दो के दफ्तर पर हुए आतंकी हमले से पेरिस गमगीन, आईफिल टावर पर जमा हुए लाखों लोग। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 मिनट तक बंद की गई आईफिल टावर की लाइटें। पेरिस के वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे बंद की गई लाइट्स। मैगजीन चार्ली एब्दो के मुख्यालय पर हमला करने वाले 2 हमलावरों की तलाश अब भी जारी। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री के मुताबिक जल्द गिरफ्त में होंगे हमलावर। दिल्ली में भी फ्रेंच एम्बेसी के आसपास किए गए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। दिल्ली पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम भी है तैनात। वी विल इंक्रीज सिक्योरिटी अराउंड फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स एरिया अराउंड फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स विल बी मोर पुलिसमैन विल बी डिप्लॉयड देयर।